आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि क्या हम डेरिवेशन सॉल्व करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल ले रहे होंगे और अपना पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किया है टर्म वन और टर्म टू करके, और आपको उसके बारे में अच्छे से पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता है और आपको उसके बारे में अच्छे से समझना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, या फिर ऊपर आई बटन में मैंने वो वीडियो दे दिया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि क्या हम डेरिवेशन सॉल्व करें। ये जो वीडियो है ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, जो अभी क्लास 12th में है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इन द सेशन 2021 एंड 22, इन लोगों के लिए। अब उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो टॉपिक है, सिलेबस तो अभी तक आया नहीं है, एट द पॉइंट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो सिलेबस आया नहीं है, हम पढ़ाई कैसे करें? और हमारे जो टीचर्स हैं या जो हमसे आपके आपसे पहले जो टीचर्स पढ़ा रहे थे या सर आप जो पढ़ा रहे हैं वहां पे हम डेरिवेशंस भी सीख रहे हैं। तो टर्म वन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो सर पूरा प्योरली एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, तो क्या हम डेरिवेशंस को करें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें या उसको मेमोराइज करें, जो पहले बच्चे करते थे डेरिवेशंस के लिए, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स में वो पूछे जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो टर्म वन में तो वो डेरिवेशंस हमें जरूरत नहीं है, तो क्या डेरिवेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करें सर? उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में आ रहे थे, तो मैं इसीलिए सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं। देखो, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानो तो आपको डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम जो होगा आपका टर्म वन में, एमसीक्यू में मोस्टली आपको हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले, या फिर आपको असर्शन रीजनिंग वाले भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो असर्शन रीजनिंग में भी अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझे हो तो आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी वैसे ही होते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको डेरिवेशंस को समझना होगा, डेरिवेशन कैसे हो रहा है वो समझना होगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं जब से भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को बोलता हूं डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशंस को समझो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छा बन जाएगा। तो डेरिवेशंस को समझो, रटो मत, समझो उसको, बार बार प्रैक्टिस करो। जब आप उसको लिखोगे, जब आप बुक से उसका लैंग्वेज पढ़ोगे, जब आप कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है उस चीज को समझोगे, अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, समझ लोगे, तो उस चीज में कोई भी डेरिवेशन अगर हो उसमें क्या हो रहा है वो समझ गए। अब अगर वो समझ गए तो केस स्टडी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यूज होंगे, कोई भी क्वेश्चंस होगा, आप आराम से कर ले जाओगे। तो डेरिवेशंस को छोड़ना मत, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट आज भी है, सिलेबस वही है, पढ़ाने का तरीका वही है, बस क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ है, एमसीक्यू आएंगे एज कंपेयर टू आपके जो लिखने वाले क्वेश्चंस। अब अगर मान लो आप डेरिवेशन नहीं समझो, डेरिवेशन के बेसिस पे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप देखो, मैं चैप्टर 1 और 2 में जो मैं अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुका हूं उसका एमसीक्यूज भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप अगर एंट्रेंस में भी देखो आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार-बार बोल रहा हूं, डेरिवेशंस को छोड़ना मत और उसके कॉन्सेप्ट को आराम से समझने की कोशिश करना, उसको नोट डाउन करना कॉपी में, उसको लिखना बार-बार। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो एक लाइक जरूर कर देना, आपका सजेशन फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड एंड पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।